बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको आज जिला अस्पताल का ऐसा कारनामा दिखाता हूँ कि आप हिल जाएंगे। और मुझे इस बात का यकीन है, चाहे वो डॉक्टर सिमी जमाली हो, चाहे जो जिम्मेदार डॉक्टर हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन होना नहीं है। आए ये देखें, ये लड़का जो चलता हुआ आ रहा है अपनी टांगों पे, अब आप सुनिए इसका वाकया। इनका नाम है इमरान। इनके घर के सारे मर्द एक साने में मर गए। भैया बताइएगा कौन इनमें वालिद, कौन इनके? ये इमरान के वालिद हैं, ये इनके दादा हैं, ये इनका छोटा भाई है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ इनके साथ हुआ क्या है। हसन भाई पकड़िएगा। आज से 2 साल पहले मुझे खबर मिली, मैं जा रहा था एयरपोर्ट, मुझे जाना था मुल्क से बाहर, कि भाई एक बस का हादसा हो गया शारे फैसल पे, और एक खातून का फोन आया कि हमारे घर के सारे मर्द पहले ही एक साने में मर चुके हैं और सिर्फ एक भाई है उसका, लड़के का, उसका जिना अस्पताल के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बता नहीं रहा हो क्या रहा है। मैं अस्पताल से मुड़ा, वहां पहुंचा कि भाई अंदर जाऊं, जानने वाले थे लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैं पीछे गेट से अंदर गया तो इस बेचारे की एक टांग कटी हुई कोने में पड़ी थी और दूसरी टांग काटने के लिए तैयारियां हो रही थी, ब्लेड स्लेड वो क्या होता है कटर वो सब तैयार हो रहा था। मैंने वहां डॉक्टर से पूछा कि आपने जो इसकी एक टांग काट दी, किसी से पूछा? उन्होंने कहा पूछना क्या भाई, एक्सीडेंटल केसेस आए, हम दूसरी टांग भी काटने जा रहे हैं। मैंने शोर शराबा किया, मैंने कहा इसको फौरन पैक करें, हम लेकर जाएंगे दूसरे बड़े अस्पताल। मैं बड़े अस्पताल लेकर गया, ये शख्स अपने पांव पे चल रहा है, ठीक है, ये अपने पांव पे चल रहा है, दूसरी टांग इसकी मसनू लग गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी का एक और वाकया। ये है मारू साफी हसन बेग साहब, मैंने इनकी वीडियो डाली 20 दिन पहले कि इनके पांव का एक्सीडेंट हुआ। ये उंगली जो इनकी काटी जा रही थी, लाइएगा भाई, ये बीच वाली, ठीक है भाई, बच गई उंगली, बिल्कुल सही, मैंने सही फैसला किया आपको लेकर गया। अब मेरा सवाल हुक्म बाला से ये है कि भाई दो केसेस तो मैंने दिखा दिए कि जिन अस्पताल गए उनकी पूरी टांग काट रहे थे, दूसरी भी एक टांग काट के फेंक दी थी, वो तो मैं उठा के लेकर थैली में लाकर उनकी फैमिली को बाहर दी। अगर इस बच्चे की दोनों टांगें काट दी जाती 15-20 दिन 25 दिन बाद ही बेड पे पड़ा रहता है, उसको बेड सोर हो जाता और उसके बाद खुदा ना खास्ता इसका इंतकाल हो जाता है, इसके घर में पहले ही सारे मर्द शहीद हो गए एक साने में। तो भाई खुदा के वास्ते सिंध सरकार से बोल रहा हूँ, वफाक से बोल रहा हूँ, जिस किसी के हाथ में भी जिना अस्पताल है, इनका नाम हसन बेग है, इनका नाम इमरान है। किस सन का वाकया भाई जिना अस्पताल का आपका? 2018 का केस ये रहा, 2020 का केस ये रहा, दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। खुदा के लिए इंक्वायरी करो कि जिना अस्पताल जो लोग आ रहे हैं उनके साथ किया क्या जा रहा है यार। इसके एक ताया है वो भी नाबीना है, तो जिनके घर में एक एक दो दो मर्द हैं, अगर वो आपके पास किसी हादसे में आ जाए, उनके जिस्म के आजाद